डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 7 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। इन एनएपी पार्ट 8 गिवन एन इक्वल 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एन ए। हमें गिवन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें एन इक्वल टू 4 और कॉमन डिफरेंस 2 है। एस एन सम ऑफ एन टर्म -14 है। हमें एन और ए फाइंड करना है। ए यानी फर्स्ट टर्म, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया है। अब हम इनकी जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। an हमें दे रखा है यहाँ पर 4, ये 4 an की जगह हम लिख लेते हैं 4 इक्वल टू, a हमें नहीं दिया गया है, a हम act से यहाँ पर लिख लेते हैं a, प्लस n भी हमें नहीं दिया गया है उसको भी हम act से हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं n माइनस 1, डी हमें दे रखा है 2, ये 2 हो गया। 4 एस इट इज इक्वल टू ए प्लस, अब हम क्या करेंगे, एन माइनस 1, ये जो ब्रैकेट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया, माइनस का माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2। 4 एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का 2 इस साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस का है प्लस में हो जाएगा 2, प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, 4 को 2 से ऐड कर लेंगे 6 हो गया, 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब हम a की वैल्यू हम निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम act यहाँ लिख लेंगे और 2n को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू a। अब ये इक्वेशन हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एस एन का सम ऑफ एंथ टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एस एन हमें दे रखा है -14, ये -14 एस एन, ये लिख लिया हमने -14 इक्वल टू एन एस ई टी, हमें दिया नहीं गया, हमें फाइंड करना है तो एन अपॉन 2 एस ई टी हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट 2 एस ई टी और ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में ये फाइंड करा, ये ए, ए की वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 6 -2n प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये हमने 2 पुट कर लिया है। -14 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा 12, ये 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4n प्लस, अब ये 2 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 n, ये 2n हो गया, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, ये 2 हो गया। अब -14 हम act से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -14 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब यहाँ देखो हम 12 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब 12 में से हम 2 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और ये माइनस का है 4n और ये 2n प्लस का है, माइनस 4n में से 2n हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस 2n हमें मिलेगा। 2n माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस का 4 बड़ा था 2 से, वो साइन था माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का लगा लिया साइन। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, -14 एस ई टी से हम लिख लेते हैं, n अपॉन 2 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं,
अब ये 10 और माइनस 2, अब ये इसका कॉमन ले लेते हैं हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 की टेबल में आता है 10 और यहाँ 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे 2। अब 2 5 जा 10 होता, ये 5 आ गया, माइनस का माइनस, 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास n, ये n हो गया। अब यहाँ देखो माइनस 14 ACT से हम लिख लेते हैं इक्वल टू, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा, ये 2 हमारे पास बचा n और 5 माइनस n ये बच गया। माइनस 14 इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ गया। अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, n को n से मल्टीप्लाई करा n स्क्वायर हो गया। हम पहले ये n स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस में, माइनस n स्क्वायर, फिर ये प्लस का 5n लिख लेते हैं और ये माइनस 14 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 14 हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ जीरो लगा लेते हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो फर्स्ट टर्म होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम इसको माइनस को हम कॉमन ले लेंगे इसका। जब हम इसको कॉमन लेंगे माइनस को तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, एन स्क्वायर यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस 5n और माइनस 14, हमने इसका n कॉमन ले लिया या साइन चेंज हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब हमें क्या करना है, ये जो 5n को हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें मिलेगा माइनस 5n मिले, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर n स्क्वायर है, अब इसका जो कोफिशेंट है वो 1 है और यह माइनस 14 है, हमने इस दोनों को ये कांस्टेंट टर्म में 14 1 से हम इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 14, ये 14 हो गया। अभी इसका फैक्टर बना लेंगे, 2 7 जा 14 होता है, अब 7 से कर लेंगे, 7 1 जा 7, अब इसका जो फैक्टर बना वो है 2 और ये 7। अब हम इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे कि ये माइनस आएगा, माइनस आए ये माइनस आए, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में कर लेंगे, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 7 में से 2 सेपरेट करा तो हमें मिलेगा माइनस 5, ये माइनस 5 आ गया, तो ये माइनस 5 आ गया। अब इस दोनों के पीछे भी हम n लगा लेंगे तो हमें इसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा और प्लस माइनस करने पे माइनस 5 आ गया, ये सेपरेट करने पे माइनस 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, माइनस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 7 लिख लेंगे, तो ये माइनस 5 की जगह हम ये लिख लेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 2 n लिख लेंगे इसके पीछे, माइनस 7 इसके पीछे n लिख लेंगे और माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व, अब इसके पेयर्स बना लेंगे, पेयर्स बन गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर n, यहाँ पर भी है और इधर भी है, यहाँ n स्क्वायर है तो एक n हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा 1n यहाँ लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं बचा 2, ये 2 हो गया, माइनस का माइनस, यहाँ पर हम देखो 14 में 7 की टेबल में 14 आता है तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं, ये 7 कॉमन हो गया, ब्रैकेट n यहाँ पर आ गया, ये n ACTs, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो गया, 7 2 जा 14, ये 14 हो गया, इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, n माइनस 7 अब इक्वल टू यहाँ लगा लो 0। अब यहाँ से भी एक ले लें हम, n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको n की वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू माइनस 7 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7, ये 7। अब n की वैल्यू निकालना है इक्वल टू राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 हो गया। और कभी भी n की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इसके लिए n की वैल्यू है हमारे पास n इक्वल टू 7 है, तो n की वैल्यू हमारे पास आई 7। अब ये जो n की वैल्यू है 7, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे
तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, 6-2n इक्वल टू a। अब 6 ACT हम यहाँ लिख लेते हैं, -2n की वैल्यू हमारे पास आई 7, ये 7 हमने लिख लिया, इक्वल टू a। अब 6 ACTs, अब 2 7 14, माइनस ये 14 हो गया, इक्वल टू a। अब 14 में से हम 6 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -8, इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू हमें मिली -8। तो हमें यही फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें मिल गई 7 और a की वैल्यू मिली हमें -8। और इसी के साथ क्वेश्चन 3rd का पार्ट 8th कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।